अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही प्यारी सी ब्यूटीफुल सी समर वियर के लिए फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। इस योग पैटर्न फ्रॉक को बनाने के लिए हमने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है और ये लूज फैब्रिक है, तो ये पैटर्न जो है लूज फैब्रिक पे ही बनने वाला है। कपड़े को हमने चौड़ाई में 2 बार फोल्ड कर लिया है और ये कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। तो लंबाई से हम लोग 22 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक मार्क 22 इंच पे यहाँ पे भी करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और कपड़े को कट करके निकालेंगे। ये टॉप पार्ट के लिए कपड़ा हम लोग कट करके निकालेंगे और इस कपड़े से योक बनाएंगे और इस नीचे वाले कपड़े से स्कर्ट और स्लीव्स बनाएंगे। तो पहले इसको साइड कर लेते हैं, पहले योक पैटर्न की कटिंग करेंगे। तो आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, ये जो हमारी लंबाई वाला कपड़ा है इससे हम टॉप की जो है चौड़ाई बनाएंगे और जो चौड़ाई वाला कपड़ा है उससे हम लोग लेंथ बनाएंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके सेट करेंगे। अब ये जो हमने लंबाई में 22 इंच कपड़ा लिया था इसको हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, इससे हम टॉप की चौड़ाई बनाएंगे। अब इसको डबल करेंगे, अब 11 इंच पे लंबाई में एक मार्क करेंगे, 22 इंच का आधा 11 इंच पे एक मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग करेंगे। अब इस कपड़े से हम लोग योक बनाएंगे। तो ये कपड़ा आप लोग देख रहे हैं काफ़ी लूज है और हल्का है, तो इसलिए हम इस पर योक बनाएंगे तो ये परफेक्ट नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे फ्यूजी पेस्टिंग कपड़ा पेस्ट करेंगे। जैसा कि किसी ने कमेंट्स किया था कि आप फ्यूजी पेस्टिंग पर कोई वीडियो बनाएं, तो ये हमने अमेज़न से मंगवाया था और ये कपड़ा एक तरफ दानेदार होता है एक तरफ चिकना होता है। तो दानेदार वाला कपड़ा जो है हम लोग कपड़े की साइड रख के इसको आयरन कर लेते हैं। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं ये कपड़ा थिक हो गया है और हैवी हो गया। अब जब हम इससे योक बनाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब योक पैटर्न की मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं 11 इंच ये कपड़े की चौड़ाई है जैसा कि हम लोगों ने पहले लिया था। तो यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्क करेंगे और एक मार्क यहाँ पे करेंगे, एक मार्क यहाँ पे करेंगे। इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करते जाएंगे और इसी तरह राउंड शेप में इस योक की कटिंग भी कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो आप लोग किसी भी पार्ट को स्किप ना कीजिएगा वरना किसी भी खास चीज़ को आप लोग मिस कर सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये योक पैटर्न कट करके रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम लोग इसके नेक की मेज़रमेंट करेंगे। दोनों सेंटर पे छोटे छोटे कट लगाएंगे और नेक की मेज़रमेंट करेंगे। 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे और 2.5 इंच बैक नेक की डीप के लिए मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिला के राउंड शेप में मार्क करेंगे और फ्रंट नेक की डीप के लिए 4 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी राउंड शेप में मार्क करेंगे। पहले बैक नेक की कटिंग करेंगे। इस कटिंग कर लेने के बाद सेंटर पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन कर लेने के बाद इस तरह से इसको फिर से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। तो जो हमने सेंटर पर कट लगाया था उसी कट के पास से इसको फोल्ड करना है और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। बैक साइड 3 इंच पे इस तरह से एक मार्क करेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे 3 इंच तक। यहाँ पे हम लोग बैक में पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी योक की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब आर्म होल के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ से 6.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे एक छोटा कट लगाएंगे। ये आर्म होल की लेंथ के लिए हम लोग मार्क कर रहे हैं। और अब इसके बाद स्कर्ट और स्लीव्स के मेज़रमेंट करेंगे। तो इस कपड़े से पहले स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करके अलग करेंगे और बाकी कपड़े से हम लोग स्कर्ट बनाएंगे। तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और 10 इंच पे एक मार्क करेंगे, मतलब कि हम लोग 10 इंच लंबी स्लीव्स बनाने वाले हैं। यहाँ से 10 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस कपड़े को कट करके अलग करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये बचे हुए कपड़े से हम लोग स्कर्ट की लेंथ बनाने वाले हैं। ये तकरीबन 20 से 22 इंच लंबा कपड़ा है, तो फोल्डिंग वाली साइड भी कट करके इसको अलग कर लेंगे।
और साइड से जो हमारी कोर वाली साइड है उसको कट करके अलग करेंगे। अब ये हमारे स्लीव्स का कपड़ा है, यहाँ पे भी फोल्डिंग वाला कपड़ा कट करके डिवाइड करेंगे, इस तरह से इसको गेदर करेंगे। और ये रही स्लीव्स, इसको भी हल्का हल्का इस तरह से गेदर करके रखेंगे। इस तरह से हमारी स्टिचिंग होने वाली है। अब इसके बाद इस स्लीव्स वाले कपड़े को इस कट पार्ट के कॉर्नर के साइड इस तरह से इसको सेट करेंगे, मतलब ये हमारी साइड वाली साइड है, तो ढाई से तीन इंच पे लेंथ में इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ से 1 इंच डीप मार्क करके इसको हल्का सा राउंड शेप में क्रॉस मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये आर्म होल लेंथ का हिस्सा है, पार्ट है, इसको ज्वाइन करेंगे और फिर गेदरिंग करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसकी स्टिचिंग की तरफ। तो पहले नेक की स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक नेक में इस तरह से पट्टी अटैच करेंगे, एक सीधी पट्टी इस कट के नीचे रखेंगे और एक पैर की स्टिचिंग का मार्जिन रख के इस तरह से स्टिच करेंगे और राइट साइड इसको फोल्ड करेंगे और फिर पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और ये पट्टी देख सकते हैं आप अच्छी तरह से अटैच हो गई है। अब इसको इसके ऊपर ओवरलैप करके फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक लॉक स्टिच करके इस साइड घुमाएंगे और जो एक साइड की पट्टी है उसके ऊपर टॉप स्टिच करके इसकी कंप्लीट स्टिचिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो थोड़ा सा कपड़ा इस तरह से रह गया है उसके ऊपर भी एक स्टिच करके इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग दे देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसमें पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो इस जो हमारे टॉप पार्ट से इतना सा कपड़ा बचा था इसे इस तरह से फोल्ड करके पट्टी कट करेंगे और ये पट्टी कट करेंगे और 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी कट करके इस पट्टी से हम लोग नेक में पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो इसको रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कट लगाया था, मतलब बैक में इस पाइपिंग को लगाने के लिए। जब हम लोग पाइपिंग इसमें अटैच करेंगे तो पाइपिंग वाले कपड़े को हल्का सा खींच के रखेंगे और नीचे वाले कपड़े को लूज छोड़ के स्टिच करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं ये और ये पट्टी कितनी अच्छी तरह से इसमें अटैच हो गई। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और बहुत ही फिनिशिंग से इसको फोल्ड करके इसके पाइपिंग को इस तरह से डबल फोल्ड करके टॉप स्टिच करेंगे। जब हम लोग पाइपिंग को राइट साइड टर्न करके टॉप स्टिच करते हैं तो ये वाली स्टिच जो हमें बहुत ही फिनिशिंग से और आहिस्ता आहिस्ता करना होती है। तो इसके लिए हम लोग इसको बहुत ही आहिस्ता और फिनिशिंग से साथ ये काम करेंगे। तो इस तरह से हमने पूरी पाइपिंग अटैच कर ली है। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये हमारी पाइपिंग अटैच होगी। जब हम इसको आयरन करेंगे तो बहुत अच्छी इस तरह से इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये रहा हमारा स्कर्ट पार्ट और ये साइड वाली जो आर्म होल वाली साइड है वो वाला पार्ट है। तो ये दो स्लीव्स को हम आर्म होल में इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब ये वाली साइड, मतलब ये स्कर्ट पार्ट की अपर वाली साइड है जो हम लोग अपने योक में अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पतला सा फोल्ड करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे लेकिन बहुत ही बारीक सा इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे। और ये जो आर्म होल के अंदर जो ये वाला पार्ट था इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे और यहाँ यहाँ पे पौना पौना इंच पे मार्क करेंगे। पौना इंच की चौड़ाई लेके हम लोग एक बड़ी स्टिच करेंगे और इस बड़ी स्टिच पे हम लोग गेदर करेंगे। तो ये धागे को खींच के हम लोग गेदरिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से पौना इंच का मार्जिन रख के बड़ी वाली स्टिच कर लेंगे पूरे में और आप धागे को खींच के इसमें आहिस्ता आहिस्ता गेदरिंग बनाएंगे। इस गेदरिंग को हम लोग अपने टॉप पार्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो ये काम करने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा और ये बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता करना होगा। इससे पहले की वीडियो में जो हमने अपने स्कर्ट पार्ट में गेदरिंग की थी तो किसी सिस्टर ने हमसे मैसेज किया था और उन्होंने सवाल किया था कि आप गेदरिंग कैसे कर लेते हैं। तो सिस्टर, ये गेदरिंग जो हम लोग करते हैं ये प्रैक्टिस के ऊपर है और ये अंदाजे से ही करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको भी कभी कम ज़्यादा हो जाता तो उसको ओपन करके हम लोग सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको इस तरह से अंदाजे से ही इसको गेदर करके इसमें सेट किया है। तो ये इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब हम लोग इसके स्लीव्स में इलास्टिक अटैच करेंगे। ग्यारह इंच लंबी ये दो इलास्टिक हमने कट कर लिया। अब इसको इसमें फोल्ड करेंगे और हल्का हल्का खींच के इसको इसमें अटैच करेंगे।
तो इसको एक बार फिर से और फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह से खींच के इसमें गैदरिंग बना लेंगे। इसी तरह दोनों स्लीव्स में हम लोग गैदरिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई है। अब ये रहा हमारा योग बटन। तो इसमें और अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हम लोग इसमें एक काम और करने वाले हैं, क्योंकि ये योग जो है ज़्यादा राउंड लग रहा था, तो हम यहाँ से 1 इंच पे इस तरह से एक मार्क करेंगे शोल्डर की तरफ से, और इंच टेप को इस तरह से रख के एक क्रॉस मार्किंग कर लेंगे। तो बिल्कुल नेक के तक यहाँ पे एक क्रॉस मार्किंग करेंगे और इस तरह से स्टिच करेंगे, और दूसरी साइड भी सेम इसी तरह 1 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे, और इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और क्रॉस मार्किंग करेंगे, और यहाँ पे भी एक स्टिच करेंगे। इस तरह करने से अभी आप देखेंगे हमारी योग की फिनिशिंग और भी अच्छी हो जाएगी। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे तो अब आप लोग देख सकते हैं अब जाके इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी हो रही है। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें अपना स्कर्ट पार्ट अटैच करने वाले हैं। तो हमने सेम इसी के अकॉर्डिंग अपनी गैदरिंग को फिक्स किया है। बाद में जब हम लोग इसकी स्टिच करेंगे तब भी ये थोड़ा कम ज़्यादा तो ज़रूर होगा, लेकिन हम लोग जब इसकी स्टिच करेंगे उस टाइम फिर से इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। अब चलते हैं इसकी स्टिचिंग करने। स्कर्ट पार्ट को अपने टॉप पे अटैच करेंगे। पहले यहाँ पे एक मार्क करेंगे, ये हमारे स्कर्ट का सेंटर है और ये स्लीव्स का सेंटर है, यहाँ पे भी एक मार्क कर लेंगे, और अब इसके बैक साइड भी सेंटर पे एक मार्क करेंगे। जब भी कभी आप इस तरह की फ्रॉक स्टिच करें तो ये मार्किंग करना ना भूलें। इस मार्क से हमें स्टिच करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। अब जो हमने यहाँ पे ऊपर 1 इंच जो कपड़ा स्टिच करके दबाया है, तो इसके लिए आर्म होल लेंथ की जो है फिर से हम लोग मार्किंग करेंगे। 6-6 इंच पे यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे, और इस साइड भी 6 इंच पे एक मार्क करेंगे, इधर 6 इंच मार्क करेंगे इधर। ये आर्म होल लेंथ के लिए हम लोग मार्क कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर अपने स्कर्ट को अच्छी तरह से फैलाएंगे, तो राइट साइड इसको इसके ऊपर फैला लेंगे, क्योंकि जो भी स्टिच करेंगे हम लोग टॉप स्टिच करेंगे तो इसके लिए राइट साइड ही इसके ऊपर सेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने ये जो शोल्डर पे एक मार्किंग की थी इसको इसके ऊपर सेट करेंगे, और यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्क करेंगे। तो आधा आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन नीचे दबाते हुए इसको ऊपर रखेंगे और टॉप स्टिच करेंगे, और ये टॉप स्टिच जब हम लोग करेंगे तो जो हमने गैदरिंग वाली स्टिचिंग करी है सेम उसी के ऊपर हम लोग ये वाली स्टिच करेंगे, और नीचे बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि आधा इंच ही कपड़ा हमें अटैच करना है, वरना हमारी ये लुक जो है ख़राब हो जाएगी और इसका पैटर्न बिगड़ जाएगा। अब यहाँ सेंटर पे मिलाएंगे और टाचनी से इसको फिक्स करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा कपड़ा थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको हल्का हल्का हम इसमें गैदरिंग को और ज़्यादा करके इसको फिक्स करेंगे, इसलिए हमने गैदरिंग को थोड़ा ज़्यादा ही मतलब चौड़ा ही रखा था। कम होती तो उसको फैलाने में हमें थोड़ा दिक्कत भी हो सकती थी, इसके लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा और गैदरिंग को सिकुड़ सिकुड़ के इसमें फिक्स करेंगे। यह आर्म होल की साइड थी तो इसको भी हमने अपनी मार्किंग पे फिक्स कर लिया था, और ये जो है सेंटर वाला पार्ट है देख रहे हैं आप लोग जो हमने मार्किंग की थी सेम एग्जिट ये सेंटर शोल्डर के सेंटर पे आके फिक्स हो रहा है। अब आप देख सकते हैं जहाँ भी थोड़ा सा गैदरिंग इधर उधर हो रही है हम उसको फिक्स कर ले रहे हैं, और यहाँ पर भी जो हमने आर्म होल की मार्किंग की थी वहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है तो यहाँ पर धागे को कट करके फिर से इस धागे को खींच के हम लोग ने गैदरिंग कर ली है। तो ये भी ये जो गैदरिंग हम लोग करते हैं ये प्रैक्टिस पर भी है, और ये अंदाजे से होती है, इसकी कोई खास मेजरमेंट नहीं होती। अगर आप ज़्यादा कपड़े में गैदरिंग करना चाहते हैं तो कैसे आप करेंगे उसको, आप लोग बस अपने अंदाजे के हिसाब से ही करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कपड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग इसको धागे को खींच के फिर से इसको गैदरिंग को एडजस्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोग पूरे में गैदरिंग को अच्छी तरह से फिक्स करके टॉप स्टिच करके इसकी कंप्लीट स्टिचिंग कर लेंगे। लगभग ये पूरी अटैच हो चुकी है। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से और अच्छी तरह से ये स्टिच हो गई है। इसको बनाने में हमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन इसकी लुक भी बहुत ही प्यारी आ रही है। ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई है कॉलेज के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ये योग पैटर्न समर वियर के लिए हमने ये फ्रॉक बनाई है। अब इसको साइड से स्टिच करके बंद करेंगे।
दोनों साइड स्टिच कर लेंगे और इसको बंद करेंगे और नीचे से हल्का सा फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड। अब ये हमारे पास फ्लावर है तो इस फ्लावर को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे फ्लावर के नीचे और सभी फ्लावर को हटा के यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसके नीचे इस तरह का कोई पेपर रखेंगे और इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट करेंगे। तो हमारे पास ये फैब्रिक ग्लू है, इस फैब्रिक ग्लू को फ्लावर में करेंगे और इसको इसके ऊपर पेस्ट करेंगे। इस तरह से सभी फ्लावर को इसमें फिक्स कर लेंगे और अगर आपको चाहिए तो आप इसको धागे, सुई धागे से भी फिक्स कर सकते हैं या इस पर कोई भी थ्रेड वर्क भी बना सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लें या आयरन से भी इसको अगर प्रेस कर लें तो ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी ये हमारी योग पैटर्न फ्रॉक बन के रेडी हो गई है। समर वियर के लिए आप भी इस तरह की फ्रॉक बना लें, ज़रूर से बना लें और इसको समर सीजन में पहने तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।